जयपुर के निवारु रोड की कई कॉलोनियां जलदाय विभाग और सरकार की उपेक्षा का शिकार हैं। यहां बूंद बूंद पानी के लिए परेशान लोगों ने पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए नीर युद्ध शुरू किया है। पानी की समस्या दूर करने की मांग को लेकर आज निवारु रोड के भारत माता चौक से जलदाय विभाग छोटवाड़ा तक प्रदर्शन किया गया। इस दौरान पूर्व मंत्री राजपाल शेखावत, पार्षद अर्चना शर्मा, पार्षद विकास बारेट समेत कई लोग मौजूद रहे। इस दौरान सहायक अभियंता को ज्ञापन सौंपा गया। सामाजिक कार्यकर्ता ललित चतुर्वेदी ने बताया कि यहां पर रहने वाली लगभग 10,000 से ज्यादा आबादी पेयजल के लिए टैंकरों से पानी लेने के लिए निर्भर है। पिछले 4-5 साल से निवारु क्षेत्र की जनता, खास करके वार्ड 43 और 44 की जनता पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रही है। पीने के लिए पानी नहीं है, खाना बनाने के लिए पानी नहीं है, घरों में किसी भी काम के लिए पानी नहीं है। पीएचडी विभाग, जलदाय विभाग और यहाँ की सरकार के चक्कर लगा लगा के ऑफिस के हमारे पार्षद, चेयरमैन थक चुके हैं। हमारी जनता उनके हाथ जोड़ जोड़ के थक चुकी है, इसलिए आज हमारी माता बहनें जो वार्ड 43 और 44 में रहती हैं, वो खुद सड़क पर आके और पानी की मांग के लिए हमने प्रदर्शन किया है। हमारे क्षेत्र को बीसलपुर की पानी की लाइन से वंचित रखा गया है। अगर एक महीने के अंदर इस कार्य योजना पर, बीसलपुर की कार्य योजना पर विस्तार से काम नहीं हुआ और हमारे क्षेत्र को पानी उपलब्ध नहीं कराया गया, तो हम पूरे जोर शोर से आंदोलन करेंगे और आंदोलन इतना जोर से होगा कि पूरे जयपुर में हम लोग, हमारे कार्यकर्ता, हम लोग, हमारी महिलाएं आमरण अनशन करेंगी। ये मेरी मांग है बीसलपुर के पानी के लिए कि हमारे को यहाँ जनता को, पैसे जनता को बीसलपुर का पानी या फिर कोई भी सरकारी योजना, चाहे बोरिंग के थ्रू जो कैसे भी दो, मुझे यहाँ सरकार, ये जनता के लिए पानी चाहिए, प्यासी जनता के लिए पानी चाहिए। जनता बहुत परेशान हो चुकी है।